हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे ए टू जेड नॉलेज विद रुपेश। आज आप लोगों को हम क्लास 12 इंग्लिश फर्स्ट पोएम के समरी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके राइटर है जॉन डोने। उन्होंने ये लिखा है, ये एक लव पोएम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द बेस्ट लव पोएम। इट इज ए मेटाफिजिकल पोएम। यह एक सुंदर लव पोएम है। यह एक मेटाफिजिकल पोएम है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ए ग्रेट लव पोएट जॉन डोने। एक महान लेखक, एक महान कवि जॉन डोने के द्वारा लिखा गया है। इन द प्रेजेंट पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स, इस कविता में पोएम बताते हैं, वर्णन करते हैं अबाउट द पावर ऑफ ट्रू लव, अपने प्यार के, सच्चा प्यार के बारे में। ही एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, और पर्सनल लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एज वी नो डैट पोएट लव्स मच हर बिलव्ड, वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं। बट वन डे ही इज पार्टेड बाय हिज बिलव्ड, सो ही हैज़ बेंगडी एंग्री विथ हर। उसने एक दिन पाया कि उसकी प्रेमिका उससे नाराज़ थी। ही इज पार्टेड बिकॉज ही, वह उसे विश करना चाहती थी। लेखक बताते हैं कि वह अपने जीवन को सुखी संबंध बिताना चाहते हैं। द पोएट एस्वर्स हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका पर विश्वास करती है। डैट ही विल कम बैक, वो अपनी प्रेमिका को कहती है कि वो तुरंत लौट जाएगी, जैसे सन लौट जाती है रोज, एवरीडे, प्रतिदिन। द पोएट प्रोमिसेस हर, पोएट उसे प्रोमिस करते हैं। डैट इज रिटर्न विल बी फास्टर दैन द सन, उसकी जो जर्नी होगी सूर्य से भी तेज होगी। अगेन द पोएट जॉन डोने एक्सप्रेसेस, फिर जॉन डोने अपने प्यार के बारे में बताते हैं। वो उससे कहते हैं कि सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थ्रू साइट्स नॉट वाइंड बट साइट्स ही सॉल अवे। मेरी प्रिय महबूबा, अगर तुम रोती हो तो मेरी आत्मा भी रोने लगती है। फर्दर ही सेज, फिर वह कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु इस जर्नी में होगी तो ये और भी अच्छा होगा। ही विल बी प्रेजेंट फॉर हर लव, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन। इन दिस वे, इस तरीके से वे कहते हैं कि वी कैन रीड द प्रेजेंट पोएम एक्सप्रेसेस द डिवाइन लव ऑफ द पोएट हिज बिलव्ड इन ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन फैमिली। ही सेज डैट लव इज इमोर्टल, वह कहते हैं कि प्यार अमरणशील है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें।